हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, आप सबका स्वागत है डिंकम के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस, डिंकम का जो ना, इससे पहले मैं वापस भाई घुस के ना एक भाई पहले रिकॉर्डिंग कर चुका था 10-15 मिनट का, बट लाइट जाने के कारण यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई और अभी ना यहाँ पे बिजली गिरने वाली है। इस जगह पे अभी गिरेगी बिजली और यहाँ पे ना अपन को एक पत्थर मिलेगा, देखना गाइस। क्योंकि पिछली बार मैं घुसा था ना, तब वहाँ पर बिजली गिरी थी और हमको ना एक खतरनाक सा पत्थर मिला था, जिसको तोड़ने से ब्लू कलर के कोई ना कोई स्टोन हमको मिलने वाले, देखना गाइस। पहले जो ना गाइस, अभी अपन जो ना यहाँ पे अंडे इकट्ठा कर लेते हैं भाई, ये सारे के सारे मुर्गियों के। और गाइस, आज का जो एपिसोड है ना गाइस, वो शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे हो गए चैनल पे, फटाफट से गाइस, ओ बिग चिकन एक दे दिया यार किसी ने, तो बड़ा अंडा दे दिया भाई, किसने दिया बड़ा अंडा भाई, कौन दे रहा बड़ा अंडा भाई, भाई कोई तो चिकन जो है ना गाइस, वो बड़ा बड़ा अंडा दे रहे रे बाबा, खतरनाक भाई, खतरनाक। अच्छी बात है, चलो भाई बड़े बड़े अंडे मिल रहे हैं यार अपन को। भाई अभी देखना यहाँ पे भाई बिजली गिरने वाली है गाइस, ठीक है। अभी गिर जा बिजली यार, गिरेगी, टेंशन न को लेना गाइस, यहाँ पे गिरेगी पक्का, सोडक्का गिरेगी गाइस। और यहाँ पे दुद्दू जो है ना, इसमें से कोई भी नहीं देगा, एक बंदा छोड़ के खाली भाई, ठीक है, एक बंदा छोड़ के। ये सारे के सारे हमारे क्यूट, अच्छा ओ हाई क्वालिटी मिल्क दे दिया, तुम रुक जाओ, हाई क्वालिटी मिल्क किसने दिया है, लल्लू ने, लल्लू का स्टैट्स देखो जरा, मैं लल्लू का स्टैट्स कैसा है, ओ मतलब जितने ज्यादा हार्ट हम बढ़ाते जाएंगे उतना अच्छा क्वालिटी का अपन को मीट जो है ना गाइस मिलता जाएगा भाई, और मिल्क और भाई अंडे शंडे मिलते जाएंगे। ये बता देने का ना मतलब, इनको पेट बीट करना जो है ना गाइस वो जरूरी है, मतलब मेरे को बिग अंडे और हाई क्वालिटी का जो है ना गाइस यहाँ पे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बेटा, हाई क्वालिटी का जो है ना गाइस वो मिल्क मिलता रहेगा भाई। अच्छा भाई चलो, मतलब इनको खाली मेरे को पेट करने का काम कर लेना है, ठीक है चलो। तो गाइस, आज का जो एपिसोड है डिंकम का, वो शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गाइस गेमिंग विद डैडी और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का, तो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, करते हैं आज के एपिसोड की शुरुआत बिना किसी देरी के, और मजा डाल देगा इस एकदम फुल टू तबाही ना मेरे भाई। अबे बिजली गिर क्यों नहीं रही है इसके आज, हैं भाई पिछली बार तो बिजली गिरी थी एकदम भाई खतरनाक वाली यार, बिजली गिर के छेद हो गया था और वहाँ पे एक पत्थर भी मिला था मेरे को। मतलब जब भी बिजली गिर जाती है ना, तब गाइस वहाँ पे ना एक पत्थर भाई ऑटोमेटिकली आ जाता है। मैं उसका स्क्रीनशॉट में थंबनेल में स्क्रीनशॉट डाल दूंगा गाइस, ठीक। अरे नहीं यार, वो वीडियो करप्ट हो गई तो स्क्रीनशॉट भी नहीं है यार। यहाँ पे गिरी थी बिजली सीधा सीधा यहाँ पे, और यहाँ से एक पत्थर बाहर निकला था। अभी तो भाई दिखाई भी नहीं दे रहा पत्थर, छोड़ दो चलो भाई, वो सारी बातें छोड़ देते। और अभी अपन क्या कर लेते बताए क्या, अभी अपनी जो ना गाइस, हाँ अभी मेरे को जो ना गाइस क्या बनाना था बताया क्या, आज किस एपिसोड में मैं बनाने वाला हूँ आपको बताया होगा कि तुम्हारे भाई ने जो ना गाइस यहाँ पे एक चेन सॉ बनाई थी, तो अभी चेन सॉ जो ना गाइस वो बना तो मैंने ली, अभी मेरे को जो ना गाइस बनाना है एक जैक हैमर। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से जैक हैमर की बात कर रहा हूँ। पहले जो है ना, अभी यार कुछ डाल दिया क्या नीचे, अभी बकेट डाल दिया गलती से। अब यार इतने मुर्गियों को तो पेट करना मेरे से ना हो पाएगा यार, इतने मुर्गियों को पेट नहीं कर पाऊंगा मैं। एक काम करूंगा बताया क्या गाइस, क्या करूंगा, बकेट उठा ले, बकेट उठ, जिनको भी मैं पेट कर सकता हूँ ना रैंडमली पेट करते रहूंगा गाइस, ठीक है। रुको अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आज क्या करने वाला, पहले इन मुर्गियों का ख्याल रख ले तो बेस क्या भाई, इतनी सारी मुर्गियाँ आ चुकी है ना अपने पास, इनका ख्याल रखना काफ़ी मुश्किल है। ले बेटा भाई, ये लो भाई, निब्बी निब्बा आ जाओ आ जाओ, पेट हो जाओ मेरे से, चलो आ जाओ। ओके रुक जाओ, दो और जो है ना गाइस भाई चूजे लेके आ जाता हूँ मैं, ओके। एंड अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि पहले चूजे, अरे यार नहीं खुला है भाई, ठीक है पहले फ्रैंकलिन के पास जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैं आज करने क्या वाला था भाई, ठीक है। तो ये हमारे फ्रैंकलिन सर जी है, मैंने फ्रैंकलिन से भाई लैम्प, हाँ यहाँ पे लैम्प का गाइस मिलेगा, देख रहे हो लैम्प का बीपी मिलेगा, तो लैम्प का जो है ना गाइस मैंने ब्लूप्रिंट भाई यहाँ से सीख लिया था। और जब मैं इसके पास गया गाइस यहाँ पे, ये जानने के लिए कि मेरे को जो है ना गाइस ये जो जैक हैमर है जिससे अपन स्टोन बीड तोड़ सकते हैं, वो किस किस कैसे मिलेगा और कितना पैसा लगेगा, तो मेरे को पता चला कि हमको ना आयरन बार खाली कम पड़ रहा है, अपने पास हॉट सिलेंडर है, ग्रीन बोर्ड है, ओल्ड स्प्रिंग नहीं है, वो तो ले लेंगे कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे, बाकी आयरन बार 8 हमको कम पड़ रहा है। तो आपको बताइए गाइस आयरन बार कहाँ पे मिलता है गाइस, एकदम खतरनाक से जो है ना गाइस गहराई में, मेरे को क्यू में जाना पड़ेगा माइन करने के लिए। तो अभी तुम्हारा भाई जो ना गाइस माइन करने के लिए जो ना गाइस जाने वाला है, और माइन करने से पहले ना मेरे को सारा फालतू का सामान जो है जो यहाँ पे स्टोर करके रख ले दो गाइस, ठीक है लेट्स गो। बिजली तो गिरने का नाम नहीं ले रही है, बाकी जो ना गाइस मैं भाई सारा का सारा सामान जो ना गाइस यहाँ पे स्टोर करके रख देता हूँ। बाकी एक बड़ा वाला अंडा भी मिल चुका है मेरे को गाइस, ठीक है चलो भाई, बड़ा वाला अंडा जो ना गाइस उसका भी कुछ ना कुछ कर लेंगे बाद में, बाकी ये सारा सामान यहाँ पे स्टोर करने दो। एंड रुक जाओ, ये जो ना गाइस मुर्गियों को खिलाना पड़ेगा, ये तीन चीज़ें जो है ना गाइस यहाँ पे स्टोर करने दो,
बाकी मैं जो ना गाइस फटाक से जाके एक पिकैक्स लेके आता हूँ ताकि मैं जो ना गाइस यहाँ पे पिकैक्स बना सकूँ भाई, ठीक है। कॉपर वाली मैं आयरन वाली खरीद के लेके आ जाता हूँ भाई जॉन से। जॉन सर जी जो ना गाइस अपन को आयरन वाली पिकैक्स जो बड़े आराम से दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। हियर वी गो, ठीक है जॉन सर जी, थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद अपन जाएंगे और कॉपर चाहिए होगा मेरे को। कॉपर तो तेरे भाई के पास भाई भर भर के पड़ा हुआ है, आपको भी पता होगा गाइस, ठीक है। मेरे को एक कॉपर की कमी पड़ेगी क्योंकि ये सब कुछ मैं खेल चुका हूँ यार पहले ही, ठीक है। माइन का पास यहाँ से मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। बाकी एक कॉपर की जो ना गाइस मेरे को कमी पड़ने वाली है। और एक स्पेयर यहाँ पे एक है भाई, अपन को एलिगेटर्स मारने में काम आएगा। पिछली बार जो ना गाइस आपको भी बताया गाइस मेरे को काफ़ी ज़्यादा जो ना गाइस दिक्कत हुई थी भाई जमीन के नीचे, किस रीज़न से, क्योंकि हमारे पास टॉर्च बिट्स नहीं थे। तो वो वाली गलती ना मैं वापस से यहाँ पे दोहराने नहीं वाला हूँ आज, ठीक है। आज जो ना गाइस हम लोग टॉर्च पहले भाई जुगाड़ करेंगे, टॉर्च का पहले जुगाड़ करेंगे। टॉर्च का जुगाड़ कैसे करेंगे बता देता हूँ उनको। पहले कॉपर की जो ना पिकैक्स मेरे को बना दो और रुक जाओ, ये मुर्गियों को खाना खिलाने दो बेस क्या का। और केले भी इसलिए लेके जा रहा हूँ मैं क्योंकि केलों की जरूरत पड़ेगी गाइज अपन को। अगर भाई किसी एलिगेटर बिलीगेटर से अगर फाइट हुई तो ये जो केले है ना गाइज वो खाने से मेरे को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, आपको भी बताया गाइज, यहाँ पे जो है ना हेल्थ भाई मिलेगी और अपनी हेल्थ जो ना गाइज काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ेगी, ठीक है। रुक जाओ, मैं दो पिकैक्स जो ना गाइज वो बड़े आराम से बना सकता हूँ और इसी से अपन भर भर के आयरन जो ना गाइज आज माइन करके लेके आने वाले हैं, ठीक है। ये बन गया अपनी पिकैक्स। चलो भाई अभी जो ना गाइज मेरे को क्या कर लेना बताया क्या, फटाक से जाके दो चूजे खरीद लेने हैं यहाँ से। यहाँ पे अपन लोग जो ना गाइज दो चूजे खरीदेंगे फटाफट, ओके। ले बेटा एंड इनको डाल के जो ना गाइज मैं जा रहा हूँ मैंग्रोव में, वहां से मैं मैंग्रोव की स्टिक जो ना गाइज वो लेके आऊंगा और उससे भाई लगभग 100 या 200 टॉर्च लेके मैं सीधा जो ना माइनिंग पास अपने पास है। उसके बाद खुदाई का सामान भी मैं दिखा देता हूँ अपने पास कितना पड़ा हुआ है, ठीक है। देखो गाइज खुदाई का सामान ये लगा भाई, खुदाई का सामान पड़ा हुआ है, माइनिंग पास पड़ा हुआ है, स्पेयर पड़ा हुआ है भाई, हर एक चीज तुम्हारे भाई के पास जो ना गाइज यहाँ पे रेडी है। बाकी जो कॉपर वीपर है वो मैं अंदर डाल के चला जाऊंगा भाई, ठीक है। उसकी जरूरत नहीं अपन को अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। और राइट कॉपर के इनगेट बिनगेट है ना गाइस वो अंदर डाल के चला जाऊंगा। और मेरे को आयरन ना कम से कम 100 लेके आने गाइस, ठीक है। 100 आयरन लेके आऊंगा एंड उन 100 आयरन से जो ना बड़े आराम से लगभग 20 जो ना गाइस आयरन बार्स बन ही जाएंगे। अगर मेरे को एक बार जैकहैमर मिल गया ना तो मैं माइनिंग जो ना गाइस काफी ज्यादा इजीली कर पाऊंगा, ठीक है। माइन करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा मेरे लिए। रुको फालतू का सामान जो है ना गाइस रुक जाओ यहाँ पे डाल देता हूँ अभी, मुझे मेरे किसी काम का नहीं, खास करके ये चीज उसके बाद ये हो रही है भाई, ठीक है। चलो आ जाओ, बाकी पानी शानी डालने की भाई ये तो जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए, यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। स्पेयर यहाँ पे लगा के रख देता हूँ ये वाला। एंड चलो गाइस चलते मैंग्रोव से जो ना गाइस लेके आते भाई एकदम भर भर के जो है ना गाइस यहाँ पे मैंग्रोव की स्टिक और उससे टॉर्च बना लेंगे गाइस, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को जमीन के नीचे अगर रूबी मिला ना तो रूबी भी लेके आऊंगा मैं, देखता हूँ गाइस कि यहाँ पे रूबी जो है ना गाइस वो अपन कितने इकट्ठा कर पाते हैं आज वाली वीडियो में। वैसे ये वीडियो जो है ना गाइस मेरे को लग रहा है लंबी तो नहीं होगी बट इसके दो पार्ट जरूर बनेंगे गाइस, ठीक है। दोनों पार्ट में अपन खाली माइनिंग ही करेंगे। यस काट के रख दूंगा वेस जाग, काट के रख दूंगा सब कुछ, मैं जाग समझ रखे भाई। लो तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो दो स्टिक दो स्टिक दो मुझे स्टिक दो 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 मुझे स्टिक दो गाइस स्टिक दो भर भर के भाई। देखो ये जो चमक रहे है ना पर्पल पर्पल स्टार वो पानी के नीचे सारी की सारी स्टिक्स है गाइस पड़ी हुई है अपनी भाई, ठीक है। तो इन्हीं को उठा लेना है, टोटल 29 मिल गई, काम बन जाएगा ना 29 से। या और चाहिए होगी थोड़ी सी और भाई स्टिक का जुगाड़ कर लेते हैं अपन, ठीक है भाई। सब काट के रख दूंगा बेच के आग, अपन के पास जो ना गाइस काफी ज्यादा ओपी वाला हथियार आ चुका है भाई, इसे तो सब कुछ काट के रख दूंगा। इतने से काम बन ही जाएगा यार अपना, इतने से काम बन ही जाएगा। एक स्टिक से तो भाई 8 टॉर्च बनती है भाई, टोटल मेरे पास हो चुकी है कम से कम भाई 40 भाई, हो जाएगा काम। चलो आ जाओ, 200 से भी ज्यादा जो ना गाइस बड़े आराम से टॉर्च बन जाएगी यहाँ पे। अभी घर पे चलता हूँ फटाक से, वहां से टॉर्च बनाता हूँ और सीधा जो ना गाइस माइन के नीचे खुदाई करने के लिए भाई, ठीक है। फूल जेसीबी की खुदाई करेंगे अपन। एक बार जैकहैमर मिल गया ना उसके बाद मैं माइन के नीचे वापस से एक और बार जाऊंगा और पूरी माइन जो ना गाइस वो चेक करके आऊंगा भाई, ठीक है। रुको अब मेरे को स्टिक से टॉर्चेस बना दो भाई, जितनी ज्यादा टॉर्चेस भाई एक से बनेगा 8 भाई, ठीक है टोटल। तो मेरे को कम से कम जो ना गाइस 100 या 200 टॉर्चेस यहाँ पे बना लेनी है। 24 बन चुकी है, 32 बन चुकी है, 40 गाइस लेट्स गो, 48 56 लेट्स गो भाई 60 नाइस वन 70 100 से तो ज्यादा लेके ही जाऊंगा, 200 लेके जाऊँ क्या सबसे, एक स्टैक में कितनी रहती है मेरे को बताने में, 200 लेके चलता होगा इस टोटल। और बची हुई मैंग्रोव स्टिक ना यही पे बचा के रख देता हूँ, फ्यूचर में कभी काम आएगी, ठीक है। और 50 गाइस मिल बेटा, और 40 और 40 चाहिए गाइस खाली, उसके बाद अपना काम जो है ना गाइस हो जाएगा एकदम मस्त। बिकी 25 ना मेरे बातची हो गया काम भाई, ठीक है। एक्स्ट्रा बना लेगा भाई, ठीक है चलो आ जाओ। ओके मैंग्रोव स्टिक्स यहाँ पे डाल दे, टॉर्च 208 लेके जा रहा हूँ मैं, खाना पानी लेके जा रहा हूँ इस बार, खुदाई का सामान लेके जा रहा हूँ,
बाकी और खतरा तो कोई नहीं ना भाई, बाइक तो एकदम भाई खतरनाक तरीके से अटका दी। इनको पेड करके जाता हूँ ताकि इनका जो लव है ना जो मेरे लिए भाई बढ़ सके और मेरे को हाई क्वालिटी का मिल्क दे। भाई शिला पेट हो जा भाई, ये मेरे को बता नहीं था कि इनका जो लव है ना गाइज उसके ऊपर भाई इनका क्वालिटी भाई जो देते हैं ना गाइज, मतलब इनका जो मटेरियल प्रोडक्ट भी नहीं बोल सकते गाइज, क्या बोलेंगे गाइज, आप प्रोडक्ट ही बोल सकते हैं, ये जो प्रोडक्ट देते हैं उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है गाइज। ये मेरे को बता नहीं था, ये पता होता तो सारे मुर्गियों को पेड करते करते बैठता मैं भाई पूरा दिन, चलो बता कि मेरे को बड़े बड़े अंडे मिल सके। अभी तो फिलहाल एक ही मुर्गी बड़ा वाला अंडा दे सकती है। चलो आ जाओ लेट्स गो, काम 25 हो चुका है, अभी जा रहे हैं अपन सीधा नीचे खुदाई करने के लिए। बहुत सारा आयरन जो ना गाइस वो मेरे को तोड़ के लेके आना है। देखते हैं गाइस टोटल कितना आयरन और कितना रूबी बीबी जो ना गाइस अपन लेके आ पाते हैं। लेट्स गो गोडाउन चले जी। और हर टाइम जो ना गाइस नीचे का जो अंडरग्राउंड है ना वो चेंज होता रहता है और अपनी प्लेस चेंज करता है। ये मेरे को पहले पता नहीं था, मैंने थोड़ा सा भाई डिस्क्रिप्शन पढ़ा ना तब पता चला गाइस कि हर बार जो ना गाइस अंडरग्राउंड चेंज होता ही है भाई, हमेशा जो ना गाइस एक ही तरह की जो ना गाइस लोकेशन पे आप कभी नहीं आओगे। चलो आ जाओ फिर गाइस खुदाई चालू कर लेते हैं भाई। ठीक है भाई टॉर्च लगाना चालू, भाई टॉर्च लगाना चालू तुरंत ही भाई। इसमें से क्या मिलने वाला, वुड ही तो मिलने वाला है। अच्छा ये आयरन और भी मिला। टॉर्च लगाना चालू भाई, दिखाओ भाई मेरे को क्या मिल रहा है अबे भाई। ये ब्रो गाइस हमको जो चाहिए था वही मिला ना मेरे बच्ची। आयरन गाइस देख रहे हो, टीन की जरूरत वैसे अभी तो फिलहाल के लिए नहीं है भाई यार, बैड के बच्चे मन के सच्चे बक भेज गया, बैड का बच्चा लाड़ में आ रहा है भाई। अपन को जो ना कैसे आयरन मिल गया, टोटल 100 आयरन जो ना कैसे लिए बिना तो मैं यहाँ से जाने नहीं वाला। बस इलेक्ट्रिसिटी कट होगी तो पूरी मेहनत जो ना कैसे पानी में चली जाएगी, वो सीन है, बाकी और कोई सीन नहीं है गाइस। ठीक है बाकी अपन जो ना कैसे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं गाइस। यहाँ पे जा रहा हूँ मैं अपोजिट साइड में थोड़ा सा, ठीक है यहाँ पे गाइस थोड़ा सा भाई टीन पड़ा हुआ है ये भी उठा लेते अपन, इससे टूटेगा क्या? नहीं यार गाइस काज अपने पास जाए काम होता एक सेकंड में डायरेक्टली तोड़ देता मैं भाई, कोई सीन नहीं होता। इससे भी टूट रहा है लेकिन इससे थोड़ा सा टाइम जो ना कैसे वो लग रहा है। चलो आ जाओ आगे चलो। और अरे यार बैट का बच्चा मन का सच्चा पट से पक भेज गया। ये मशरूम जो ना गाइस वो लेके चला जाता बट उतने ज़्यादा महंगे नहीं बिकते। चलो गाइस आयरन मिल गया भाई अपन को, अबे इससे नहीं तोड़ना है, इससे तोड़ना है भाई। अबे यार आवाज़ सुन के बैट आ गया यार यहाँ पे बग लाहाड़ में आ रहा है, बैट के बैट बजा देगा दे रहा भाई है, बैट के बच्चे मन के सच्चे। तीन और मिल गया, चलो आ जाओ काले अपन जो ना गाइस यहाँ पे आयरन ढूंढने वाले अभी भाई। ये बैट्स लोग निकल लो यार पहली फुर्सत में निकलो, बग भेज गया लाड़ में उंगली करने के लिए। टीन दिख रहा है गाइस, थोड़ा सा टीन भी उठा लेता हो, टीन कॉपर वीपर हर एक चीज उठाएंगा अपन। ये जो पाते ना गाइस ये क्यों यहाँ पे बना हुआ है ये मेरे को एक तो समझ भी नहीं आती चीज यार। यहाँ पे कुछ है क्या? नदी के किनारे कुछ हो सकता है गाइस, देख लेता हूँ। चलो वैसे दिख तो नहीं रहा गाइस कि, अरे टॉर्च लेके आना चाहिए था टॉर्च। अबे यार यहाँ पे तो थोड़े से भाई बक्से पड़े हुए हैं, थोड़े तोड़ के देख लेता हूँ कि बक्सों में मिलता क्या है। गमूड प्लैंक के लिए आया हो क्या भाई मैं, ये प्लैंक के लिए आया हो क्या मैं बग? अबे हेलो मारता है भाई एक तीर से दो निशाने भाई। हेलो मारा जब पंगा लेता, मारा जब पंगा भेज के कर देंगे नंगा भाई। चलो आ जाओ आगे चल दे, देख दे कहाँ पे भाई हमको और आयरन बिरन मिलता है। और यहाँ पे गाइस थोड़ा सा कॉपर दिखाई दे रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं है गाइस, खाली यहाँ पे कॉपर ही है। चलो कॉपर निकाल लेते हैं गाइस और आगे चल के देख दे कि और क्या मिलता है। वैसे भाई थोड़ा सा आज सामान कम मिल रहा है, पाँच भाई पाँच और से क्या होने वाला है यार, एक इनगर्ड बनेगा, टोटल आठ चाहिए यार मेरे को इनगर्ड। गाइस मैं एक काम करूंगा, मैं खाली आठ इनगर्ड जो ना गाइस आठ इनगर्ड के लिए जो ना जितना सामान चाहिए उतना ही लेके चलता हूँ, क्योंकि जैकहैमर अगर मैं लेके आऊंगा ना नीचे माइनिंग पास 30,000 का खरीद लूंगा वापस से, उसका कोई सीन नहीं है। बट जैकहैमर लेके आऊंगा ना तो माइन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा यार, ऐसे जो ना गाइस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट बढ़ जाता भाई, समझ रहे हो। यहाँ पे एक एलिगेटर है गाइस, एलिगेटर से पिछले जन्म का बदला लेना है अपन को गाइस, क्या बोलते हो? ले बदला बदला ले भेज गया किस भाई एलिगेटर के बच्चे से। चलना भाई जितंगड़ी तुझे, हाँ का लाड़ में आ रहा है क्या? बग भेज गया, एक मिनट रुक जाओ, एलिगेटर को जो ना गाइस काट के रख देता हूँ भाई, काट के रख देगा, काट के रख दूंगा मैं काट के रख दूंगा एलिगेटर को, बात खत्म भाई बात खत्म। मैं बोला था भाई काट के रख दूंगा, भेज गया किस एलिगेटर को, पिछले बार मेरे को चेपा था ना काट के रख दिया गाइस, चेनसॉ से काटा एलिगेटर को, मजाक समझ रखे हो भाई है, एक तो बैठ के बच्चे को चुल मच रही अलग है। भेज गया, ओ यस ओ यस ओ यस ओ यस ओ आई गाइस सामान तो मिला, सामान तो मिला, ओ यस गाड़ी भी मिल गई यहाँ पे तो। ओके ठीक है इस बैट को मारना पड़ेगा भाई, हाँ ठीक है चलो आ जाओ। कॉपर मिला है और भाई मैक्सिमम यहाँ पे जो ना गाइस मेरे को आयरन दिखाई दे रहा है भाई, दो पत्थर दिख रहे हैं गाइस आयरन के, मेरे को टोटल जो ना गाइस आठ अगर चाहिए तो 40-50 लेके चलता हूँ, 50 आयरन भी मिल गया ना मेरे को तो भी भाई काम बन जाएगा मेरा भाई। ठीक है 50 आयरन टोटल जो ना गाइस अपन लेके जाए, बग भेज गया बात तो भाई, इस भाई पिकैक्स से पेल डाला, बग रुक जाओ बग भेज गया। हेलो पेड़ की जरूरत किसकी है बताओ, पेड़ की जरूरत किसकी है? डायरेक्टली भाई अपन भाई पिकैक्स से डायरेक्टली पेलम पाल दे रहे हैं यार इन लोंडो को,
स्पेयर की जरूरत है ही नहीं अपन को गाइज। चलो सारा का सारा यहाँ से जो ना गाइज उठा लिया अपन ने, पट्ट से भाई इसको भी पट्ट से दे देता हूँ, एंड सट्ट से यहाँ पे भी जो ना थोड़ा सा रुक जाओ ये भी खोद लेता हूँ। यहाँ पे भी जो ना गाइज मेरे को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कभी कभी मिल जाती है। देखते इंजन तो पक्का मिलेगा गाइज, टायर मिल गए गाइज, और गियर बियर मिल गए, बाकी तो और कुछ खास चीज़ मिली नहीं भाई वैसे। ठीक है आओ यस। अरे भाई 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 ओ भाई टीन है क्या? हाँ टीन है यहाँ पे, बाकी और क्या है? बाकी और एक बॉस है भाई यहाँ पे खाली, ये बॉस की तो बैंड बजा दो भाई, बच्चा अपने भाई इसको भी काट के रख दूंगा भाई। ठीक है बहुत हो गया, चल बहुत हो गया, बहुत हो गया बेटा, बेटा बोध के लिए चुप जा बेटा, बोध के लिए चुप जा। बेस की आग निकल, निकल रहा है कि नहीं, मर रहा है कि नहीं बता, मर रहा है कि नहीं, लाड़ में आ रहा है, काट के रख दूंगा गाइस। मैंने बोला ना भाई इस बार अपन जो ना झुकेगा नहीं साड़ा, सबकी बैंड बजाएगा तेरा भाई, मागा भाई का बाप का सबका बदला लेगा तेरा भाई। चलो आ जाओ अभी देखते हो कितना हो गया, टोटल 14 हो गया ना भाई यार, बहुत ज्यादा चाहिए यार, और बहुत ज्यादा आयरन चाहिए अपन को तो। ये बैट आ जाते यार बार बार दिमाग खराब करने के लिए भाई। चलो आ जाओ यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कॉपर है गाइस खाली, खाली कॉपर है, कॉपर के अलावा और कुछ है? और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये बैट चुंगली करने वाले दिखाई जरूर दे रहे यहाँ पे। भगो बेस क्या ट्रिपल, ट्रिपल किल भाई, भाई तेरे भाई ने ट्रिपल किल करा है बैट खा लेके ना, बैट का, बैट का, बैट का ट्रिपल किल करा है। मेरे यहाँ पे टीन देखा था थोड़ा सा आई थिंक, अंदर आते वक्त नहीं टीन नहीं था ना शायद, हाँ नहीं टीन नहीं था, टीन नहीं था। बाकी गाइज आयरन जो है ना गाइज वो ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल तो है यार यहाँ पे। ठीक है टीन और कॉपर ही, हाँ कॉपर मिल गया और टीन और मिल गया। ओ रूबी, तेरे भाई को मिल गई रूबी ना मेरी बच्ची, आयरन भी है यहाँ पे, इस साइड में काफी ज्यादा भाई सामान है गाइज। ओ भाई रूबी मिल गई तेरे भाई को, रूबी मिल गई तेरे भाई को, रूबी मिल गई तेरे भाई को, गोर 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 गो रूबी तो मिल गई तेरे भाई को। रुक जाओ पहले मेरे को जो ना सारा मटेरियल लेके आने दो भाई, रूबी भी लेके जाएंगे। एलिगेटर मिल गया तेरे भाई, एलिगेटर बेटा देख देख मस्ती नहीं बेटा, बेटा मस्ती नहीं गोलू, बेटा मस्ती नहीं, मैंने बोला ना, मैंने बोला ना देख कुछ भी करने का लेकिन मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का। भाग बेस क्या भाई, इसने डाला तो अपना पाद तो मारा लेकिन पाद के अंदर घुस के इसकी भाई बैंड बजा दी मैंने भाई। ठीक है इसने अपना पाद तो मारा था हरा हरे कलर का, ये देख रहे हो भाई, हाँ चला गया इसका पाद, उठान दो भाई अभी ये। ठीक है आ जाओ चलो लेट्स गो, अभी जो ना गाइस यहाँ पे फटाक से सटाक से जो भी सामान मेरे को दिखाई दे रहा है वो सारा तोड़ रहा हूँ। आगे साइड एक रूबी भी है और थोड़ा सा आयरन भी। ओ वाओ ड्यूड कहाँ पे, अरे बाप अरे बाप अरे बाप रे, यही तो चाहिए था यार भाई। गाइस भाई बोले तो बुल्ड था भाई, गाइस इतना सारा आयरन मिल गया यार। अच्छा वो मैं रूबी के पीछे पीछे दौड़ दौड़ के नहीं गया वरना इतना सारा आयरन भाई मैं मिस कर देता। अरे यार बैट्स लोग ना भाई एक दो भाई, भाग भाई तेरे को इसी से मारूंगा यार, उंगली करने के लिए आ जाते बार बार भाई। ठीक है चलो क्या मिला जी बताइए। अबे यार ये भी आएगा उंगली करने, भाग भाई रुक जाओ इसको स्पेयर से चेप डालता, स्पेयर की रेंज जो ना थोड़ी सी अच्छी होती है ना इसलिए भाई इजीली मर जाते हैं गाइस। ये देख रहे हो कितना मिला बताओ मेरे को, 36 भाई लगभग 40 होने वाला यार तेरे भाई के पास, खतरनाक हम लेट्स गो टोटल 40 भाई, मजाक हो रहा है क्या? रुको ये बड़ा बड़ा पत्थर होता है ना कभी कभी ये तोड़ने से ना हमको एक आयरन का जो ना गाइस वो मिल जाता है गाइस, लेकिन आज तो भाई कॉपर ही मिला, लेकिन चार चार कॉपर मिला अच्छी बात है। चलो हाँ भाई यार बैट्स ने तो दिमाग दही कर रखा है यार। ठीक है चलो आ जाओ अभी यहाँ पे रूबी अपन को मिल रहा है, रूबी को भाई कंधे पे लेके जाऊंगा और भाई देखते आगे अगर एक और रूबी मिला ना तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, बाकी तो एक रूबी अभी फिलहाल के लिए मिला है इसको अपन कैरी कर सकते। मेरा स्पॉन पॉइंट कितना दूर है जरा एक बार देखने दो मेरे को, अरे स्पॉन पॉइंट तो बहुत ज़्यादा दूर है यार, मैं बहुत ज़्यादा आगे आ गया यार, लेकिन रूबी मिल गया तेरे भाई को। चलो आ जाओ, अच्छा भाई रूबी ले ले या फिर हाथ में टॉर्च ले ले अभी यार, ये सबसे बड़ा सवाल है, रूबी लूँ या हाथ में टॉर्च लूँ भाई। ठीक है रूबी को जो ना गाइस फिलहाल के लिए यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, जाते वक्त जो ना गाइस लेके चला जाऊँगा, मेरे को मैप पे जो ना गाइस टैग मारना दे लोकेशन। ठीक है मैं यहाँ से जो ना जाते वक्त रूबी को साथ में लेके चला जाऊँगा। ठीक है अभी उतने ज़्यादा दूर जो है ना गाइस रूबी को कैरी करते हुए लेके नहीं जा सकता, टोटल 50 जो ना गाइस मेरे को यहाँ से आयरन आयरन लेके जाना है, बस खाली 10 और आयरन उसके बाद अपना भाई मिशन कंप्लीट, फिर मैं डायरेक्टली जैक हैमर लेके आऊँगा और भाई एकदम मस्त भाई सब कुछ तोड़ तोड़ के जो ना गाइस ऐसे इकट्ठा करूंगा भाई यार एक चीज़। ठीक है बैड भाई बैड का बच्चा मन का सच्चा बग गया भाई, बग गया बग गया, छोड़ो चलो आ जाओ। वैसे यहाँ पे गाइस ये बक्से तोड़ने के ना खास कुछ मिलता नहीं है, देख रहे हो प्लैंक ही मिलते हैं मैक्सिमम टाइम, और प्लैंक के लिए तो अपन भाई यहाँ पे आए नहीं है यार, प्लैंक की मेरे को जरूरत अभी फिलहाल के लिए है नहीं गाइस, सिंपल सी बात है। चलना बैठ गए बच्चे तो फाड़ दूंगा कच्चे बेच के मशरूम के भाई यहाँ पे। आयरन मिलना तो चाहिए, आयरन है एक मिल गया गाइस, चार और पत्थर मिल गए ना आयरन के अपना काम बन जाएगा। बड़ा सा एक पत्थर इसको तोड़ के देख लूंगा क्या मिलता है,
बाकी तो गाइज एलिगेटर वाली वो जो गुफा है ना, यहाँ पे एक एलिगेटर देखा था मैंने, यहाँ पे कुछ है क्या एलिगेटर के नज़दीक? भाई एलिगेटर जहाँ पे होता है वहाँ पे थोड़ा सा खजाना तो होता है यार। हाँ भाई खजाना तो है भाई लोंडे के पास, बट खास कुछ खजाना नहीं है भाई। इसको काट के रख दूंगा बाकी तो मैं। भाई आ जा आ जा लोंडे, आ जा आ जा, तू आ जा, तू नहीं तू आ जा भाई, तू आ जा लोंडे, तू आ जा, तेरे को तो पैर से चेपूंगा। भग रहा है भाई, बनाना खाता हूँ, रुको बनाना खाता हूँ। अरे बनाना खाने से तो मेरी हेल्थ बढ़ी नहीं रही है मेरा। अच्छा बनाना से स्टैमिना बढ़ता है मेरा, मुझे लगा था हेल्थ बढ़ती है यार, मेरे को ये नहीं पता था कि बनाना से स्टैमिना बढ़ता है खाली। चीप है, एक और पत्थर लेकिन मिल गया, चलो अच्छी बात है। अपने एक पिका तो टूट के रहेगी कहीं जहाँ पे। कॉपर मिलाएगा ज़्यादा, टीन ज़्यादा मिले, कॉपर भी ठीक ठाक ही मिला अपन को, उतना ज़्यादा नहीं मिला है। एक आध जो ना डिंकम के अपन लाइव स्ट्रीम करेंगे, जिसमें जो ना गाइज खाली अपन भाई माइनिंग ही करेंगे, खाली माइनिंग गाइज, उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। बाकी इधर साइड कुछ है क्या, जरा देख लेता हूँ ना। कभी कभी कहीं जो चीज़ आप छोड़ देते हो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, जो ऐसा इग्नोर मार के चले जाते हो वहाँ पे, खास करके एलिगेटर है यहाँ पे। बाढ़ में जाए एलिगेटर से पंखा तो नहीं लेना है, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे। एलिगेटर मीट मिल जाएगा कहीं उससे। वैसे मेरा एक मिशन है जिसमें मेरे को भाई 20 एलिगेटर्स के जो ना मीट भाई कुक करके देने एक बंदे को, सो वाला मिशन जो ना कहीं जो कंप्लीट हो सकता है। अरे आयरन ओर भाई, लेट्स गो लेट्स गो, आयरन ओर मिल गया, ठीक है सारे के सारे ओर मिल गए। रुक जाओ चेनसॉ से कट कर देता हूँ इसको। हाँ जी अंकल जी, चलो भाई अटक गया भाई ये लोंडा, अटक गया गाइस, खत्म भाई लोंडा अटक गया था यार यहाँ पे। बाकी अंदर साइड कुछ है क्या? अंदर साइड तो और कुछ दिखाई दे नहीं रहा भाई यार, कुछ खास मिला नहीं। तूत मिले यार मेरे को, उसका मीट चाहिए था बट मेरे को तूत मिल गया गाइस उसके, बताओ। ठीक है चलो, टोटल जो ना गाइस अपने पास 43 हो चुका है, खाली जो ना गाइस और चाहिए भाई 7 एक बार मिल गया ना भाई अपन को आयरन, तो मैं सीधा डायरेक्टली भाई बाहर निकल रहा हूँ। अगर लाइट वापस दे गए ना तो इतनी मेहनत जो ना गाइस भाई अपनी भाई पूरा का पूरा इसमें चले जाएगी, पानी में। ज़्यादा मेहनत तो नहीं करी, आधा घंटा से ज़्यादा थोड़ा सा टाइम हो गया होगा यहाँ पे। भग बेस क्या, लाड़ में हारा है भाई, लाड़ में पंगा लेने के ला रहा है। उड़ उड़ के मार दूंगा पिकैक से डायरेक्टली, पिकैक से उड़ उड़ के मारूंगा भाई इसको। चलो आ जाओ आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। अरे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, ठीक है गाइस। बड़े वाले दो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, और ये भाई ये कैसे ओपन करते हैं ना, ये अभी तक मेरे को पता नहीं चला यार। इसको तोड़ना पड़ता है दिन डायरेक्टली, पता नहीं गाइस। छोड़ो आ जाओ, इसी को तोड़ के देख लेते कि यहाँ पे मिलता क्या है वैसे। ओ बाय गाइस, दो आयरन जो है ना गाइस वो और मिल चुके हैं, मतलब 5 और गाइस, मतलब 2 और पत्थर मिल गए ना आयरन के, तो अपना काम हो जाएगा गाइस बड़े आराम से। ज़्यादा कुछ जो है ना तुड़ुक जाम करने की जरूरत नहीं, खाली 2 और पत्थर चाहिए मेरे को यहाँ पे आयरन के। यहाँ से आयरन मिलेगा भाई? हाँ भाई 2 और चाहिए होंगे, स्टिल 2 और चाहिए होंगे, ठीक है। थोड़ा 3 है गाइस वो भी उठा लेता हूँ ना, फिर उसके बाद भाई जैसे भाई अपना भाई गोल कंप्लीट हो जाएगा तो रूबी लेके डायरेक्टली कल्टी मार लेंगे अपन। आयरन तो यहाँ पे होना चाहिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा। आ कंप्लीट गाइस मिशन। ओ बाय खान में आ गया गाइस डायरेक्टली। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मटेरियल तो है भाई, मटेरियल तो काफ़ी ज़्यादा। अबे लोंडे जाओ ना रे, देखना मेरे से उंगली नहीं करना भाई, मैं चिर फाड़ देगा डायरेक्टली भाई। आंडू पांडू ना समझना लोंडो मेरे को। पहले बैट्स को भाई चुप कब्जे में लेने दो, पहले बैट्स को। भग भेज क्या क्या भग भेज क्या, तीसरा वाला किधर गया, तीसरा वाला किधर? ए शक्तिमान इधर आ, इधर आ भेज क्या। बैटमैन के बच्चे वो कहाँ पे, वो लोंडा कहाँ पे भग गया क्या? ये रहा ये कह रहे लाड़ में आ रहा है। तेरे को पता नहीं क्या मैंने भाई चेनसॉ ले ली है, तेरे को पता नहीं क्या चेनसॉ ली है भाई। काट के रख दूंगा, काट के चलना, बाइट करेगा, काटेगा काटेगा भेज क्या, काटेगा मेरे को काटेगा भेज क्या। बैट बजा के रख दूंगा भाई। बनाना भी मेरे को पता चल गया, इसकी स्टैमिना बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा जो ना का काम आते हैं। सो बनाना को जो ना साथ में रखूंगा, मेरा मैक्सिमम टाइम आपको बताएगा स्टैमिना जो ना का खत्म हो जाता है, उस रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती रहती है। आ जाओ चलो, कितना मिल गया भाई मेरे को? जितना चाहिए था उससे ज़्यादा ही मिला है गाइज, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। ये क्या चीज़ है, अबे काला काला क्यों दिख रहा है भाई? तीन और थोड़ा सा अच्छा काला काला भी दिखाई दे रहा है। चलो गाइज अपना काम चुना गाइज हो चुका है, अभी मैं यहाँ से चुना गाइज बाहर निकल रहा हूँ, ओके। और मैं शॉर्टकट मार के जाऊँगा, वहाँ भी रास्ते में कुछ ना कुछ जो ना गाइज मिल ही जाएगा अपन को वैसे भी। अभी जाना बैटमैन के बच्चे। अब बैटमैन भाई हम शरीफ क्या हुए, पूरा जमाना बदमाशी पे उतर गया बैटमैन के बच्चे हैं। लाड़ में आ रहा है, कितना मिल गया टोटल? 61 हो चुका है गाइस, ठीक है। 100 करके जाने वाला था बट ट्रेन तो भाई 100 भाई अपन बाद में कभी कर लेंगे, ओके। माइनिंग वाला कोई तो भाई मिशन कंप्लीट हो चुका है इसको भाई, हाँ ये कर लेता हूँ। टोकन्स जिंक्स अपन को थोड़े से चाहिए होंगे, क्योंकि मेरे को क्या लग रहा है बताए क्या? अभी एक मिनट रुक जाओ, मैंने एक चीज़ सोची नहीं, बताओ क्या गाइस, कि मेरे को लेवल 3 का लाइसेंस चाहिए होगा ना गाइस, वरना तो मेरे को वो जैकहैमर देगा ही नहीं लूंडा, वो बहुत ज़्यादा आराम करे फ्रैंकलिन यार, वो तो मेरे को जैकहैमर देगा ही नहीं लेवल 3 का अगर मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो, फिर तो अपना कट ही जाएगा गाइस डायरेक्टली। ची भाई ये तो बात मैंने सोची ही नहीं यार,
कि मेरे को लेवल 3 का जो ना गाइस वो चाहिए होगा लाइसेंस। वैसे मेरे पास थोड़े से डिंग्स मतलब टोकन्स पड़े हुए हैं, देखता हूँ अगले एपिसोड में जो ना गाइस वो टोकन जो ना गाइस इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा। अबे यार लौंडा कहाँ है उंगली कर रहे भाई, ना ही उंगली करना मेरे को तुमसे भाई। मेरे को खाली जो ना गाइस अपनी मंजिल पे जाना है, मेरे को जितना चाहिए था सामान उतना सारा जो ना गाइस अपन ने ले लिया गाइस, ठीक है। अभी अपन चुपचाप गोल गोल घूम घूम के फिर के जो ना गाइस जा रहे यहाँ पे। ओके ठीक है, यहाँ से चलता हूँ ना, शॉर्टकट है गाइस, थोड़ा सा शॉर्टकट है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिल जाएगा मे भी भाई, दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा भाई, मटेरियल की बात छोड़ो, बेसिक दिखाई नहीं दे रहा कहाँ जा रहा हूँ कैसे जा रहा हूँ। ओके ओके माइंड शाफ्ट पे आ चुका हूँ मैं। ओके यहाँ से भी जो ना गाइस शॉर्टकट है, पानी में कुछ दिख तो नहीं रहा। एलिगेटर बिलीगेटर होता तो भाई बोचे पे चावा ले लेगा मेरे को, मैं काट लेगा मतलब, ठीक है दिक्कत हो जाएगी भाई। चलो आ जाओ। ओके यहाँ से अंदर जाना है, नहीं यहाँ से जाना है ना, हाँ यहाँ से, ठीक है गाइज। 1 रुपये तो हमको मिल गई गाइज, मतलब 50,000 अपन के कहीं नहीं गए, ठीक है 50,000 कहीं भी नहीं गए। कितना दूर है भाई अभी तक अपना बेस, बेस क्या मैं कितना इतना आगे आ गया था यार, बहुत जगह अब ज़्यादा आगे आ गया था लग रहा है। ठीक है भाई अपन जो है ना, हाँ पहुँच गए फाइनली, चलो आ जाओ, पहुँच गए। ये रही गाइज अपन की ऊपर जाने का जो ना रास्ता, ये रहा अपना ऊपर जाने का रास्ता, मैं फटाक से ऊपर जा रहा हूँ। एंड कहाँ से भाई अंदर घुसने का रास्ता, हाँ भाई ये ले डाल दे गेट अप। चलो गाइज लेट्स गो, अपन सीधा ऊपर जा रहे हैं गाइज। मुर्गी के बच्चे मैंने बाय करे थे क्या, तो लग तो रहा है गाइज बाय करे थे, क्योंकि अभी तो शॉप भी बंद होगा वैसे। ठीक है इनको जो ना गाइज वापस सजा के रख देता हूँ, बाद में बेच दूंगा जब पैसों की कमी होगी, अभी तो फिलहाल के लिए पैसों की कमी अपने पास ही नहीं गाइज, ठीक है अपने पास पैसे ही पैसे है भाई। ठीक है चलो बाकी इनको पेट कर लेता हूँ, ठीक है। अरे मुर्गियों, अरे बच्चे सोते नहीं क्या रात को, बच्चों को चुल मचती है यार बहुत ज़्यादा, बच्चे रात भर सोते नहीं यार यहाँ पे। अरे तुम्हारे लिए घर बना रखा है, तुम घर में छूना छूके भाई बाहर सो रहे हो भाई, कोई भाई इज्जत विज्जत एक ही नहीं है भाई, घर में नहीं सो रहे यार बाहर सो रहे ये लोग। चलो आ जाओ। तो गाइस अभी मैं जितना भी आयरन लेके आया हूँ ना, इसको पिघलने का टाइम आ चुका है, इसको पिघलाने का टाइम आ चुका है, और इसको पिघलाने का काम जो ना गाइस जो तुम्हारा भाई करने वाला है। और अगले एपिसोड में जो ना गाइस हम थोड़े से जो ना गाइस यहाँ पे टोकन विकन जमा करके जो है ना देखता हूँ पहले मैं कि मेरे को लेवल 3 के लाइसेंस की जरूरत है कि नहीं गाइस, वो लेने के लिए मेरे को लग रहा है होगी, क्योंकि मेरे को ये लेने के लिए ना चेनसॉ लेने के लिए लेवल 3 का लाइसेंस चाहिए था। तो अपन एक काम करेंगे, अपन ना रिपेयर टेबल है ना वो ट्राई करते हैं भाई, ठीक है, क्योंकि चेनसॉ के अपने हेल्थ आप देख ही रहे हो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है। तो रिपेयर टेबल जो है ना गाइज वो मैं ट्राई करता हूँ, अगर वो बन सकता है ना तो वो बना लूँगा, तब तक हमारे पास जो है ना डिंग्स भी भाई इकट्ठा हो ही जाएंगे गाइज, ठीक है कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिलहाल के लिए गाइज आज का जो हमारा प्यारा प्यारा सा एपिसोड है गाइज यहाँ पे डिंकम का, वो इधर ही खत्म होता है, मिलते ही गाइज सबसे अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो मिलते ही गाइज चलो आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइज, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग। चलो गाइस सो जाता हूँ और गेम सबसे पहले सेव कर लेता हूँ, लाइट गई तो दिक्कत हो जाएगी गाइस, ठीक है मिलते हैं अगले एपिसोड में, सी यू लेटर बाय बाय गाइस। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get